उत्तर प्रदेश पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर कार्रवाई करते हुए उनका चालान काट दिया है। बता दें कि प्रियंका शनिवार को लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान स्कूटी से घूम रही थी, जिसे राजस्थान से कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर चला रहे थे। इस दौरान विधायक और प्रियंका ने हेलमेट नहीं पहना था। दरअसल पूर्व IPS अधिकारी SR दरापुरी से मिलने पहुंची प्रियंका को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया था, जिसके बाद प्रियंका स्कूटी के जरिए पूर्व अधिकारी से मिलने पहुंची थी। इस दौरान न तो प्रियंका गांधी ने हेलमेट पहना था, न ही विधायक ने, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने उसी स्कूटी का 6100 रुपये का चालान काटा है। पुलिस द्वारा काटे गए चालान में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 2500 रुपये, हेलमेट नहीं पहनने पर 500 रुपये, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 300 रुपये, खराब नंबर प्लेट के लिए 300 रुपये और गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर 2500 रुपये का चालान कटा है। बता दें कि कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे पर थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने नागरिकता कानून को लेकर अपना विरोध भी जताया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो पूर्व IPS अधिकारी SR दारापुरी के परिवार से मिलने के लिए निकली, लेकिन लखनऊ पुलिस ने एक चौराहे पर प्रियंका का काफिला रोक लिया। दारापुरी के परिवार से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने पुलिस पर उन्हें अनावश्यक रूप से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं आई और परिवार के सदस्यों से मिली। मिस्टर दारापुरी को हिरासत में लिए जाने पर उन लोगों को धक्का लगा है, वो बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने UP पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे गला दबाकर पुलिस वालों ने रोका, मुझे पकड़कर धकेला गया, इसके बाद गिर गई थी, मुझे लेडे पुलिस अधिकारी ने रोका था, इसके बाद मैं एक कार्यकर्ता के साथ स्कूटर पर बैठ कर गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।